आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को कायम कर लोगों को पहुंचाई जा रही है बड़ी राहत। आवाजाही को बेहतर बनाने के मद्देनजर सड़कों को किया जा रहा है दुरुस्त। और पाबंदियों में रियायत के बाद जम्मू में फिर से शुरू हुई कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं बेहतर तिब्बी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने के सम्त में किए जाने वाले इकदामात की। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना ना करना पड़े, उन्हें अस्पतालों के चक्कर ना लगाना पड़े, इसके लिए तकरीबन सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का अज्म किया गया है। इस सम्त में काम जोर शोर से चल रहा है और मुख्तलिफ अस्पतालों में इन प्लांट्स ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इसी में से एक है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इससे मुंसलिक अस्पताल। ये कोरोना वायरस के खतरे से पैदा होने वाले हालात से पार पाने में किस तरह से साबित होगा मददगार, इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बेहतर तिब्बी सहूलियात बुनियादी सहूलियात में से एक है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर पैदा हुए हालात के बीच इससे मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कुदरती तौर पर जरूरत महसूस की गई। इसमें अहम जरूरत ऑक्सीजन की सप्लाई की थी। इस पर तवज्जो मरकूज की गई और अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाने का सिलसिला शुरू किया गया। इसमें से ज्यादातर प्लांट्स ने काम करना भी शुरू कर दिया है। उन्हीं में से एक है अनंतनाग जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। इस हाई फ्लो ऑक्सीजन प्लांट के शुरू हो जाने से यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। गवर्नमेंट से शुक्रगुजार है कि जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट आया है, ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और जो मुश्किलात सामने करने पड़ते थे हमारे लोगों को, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट आया है, तो इससे हमें क्या होगा कि हमारा जो पेशेंट है वो रेफरल नहीं हो पाएगा श्रीनगर के लिए, तो यहाँ पर ही इसको ट्रीटमेंट हो जाएगी। कोरोना वायरस से मुतासर लोगों के लिए ये अहम जरूरतों में से एक है। दरअसल इसका असर सीधे तौर पर फेफड़ों पर होता है और इससे सांस लेने में दिक्कत होती है और उन्हें फौरन ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है। इस अस्पताल में कायम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 200 से ज्यादा बेड्स के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराने में मददगार साबित होगा। इस अस्पताल में 70 बेड्स कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए है। बाकी बेड्स का इस्तेमाल दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए किया जाता है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इस तरह से यहाँ से दूसरे अस्पतालों में रेफर किए जाने के मामलों में भी कमी दर्ज होगी। अगर पेशेंट लैंड अप हॉस्पिटल में हो गया है विद कोविड पॉजिटिव, तो उसका ट्रीटमेंट तो पहले ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन इज द प्रायोरिटी इस वक्त, और ऑक्सीजन की ही कमी नहीं रहनी चाहिए। जो कमी नहीं है, मैंने कहा कि हम 100 पेशेंट्स को लो फ्लो हाई फ्लो एट प्रेजेंट दे सकते हैं, इसलिए ये खुशकिस्मती की ही बात है कि साउथ कश्मीर के लिए कि ये प्लांट इमीडिएटली लग गया। जम्मू कश्मीर में लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम है। यहाँ के अस्पताल जदीद तरीन तिब्बी आलात से लैस हैं। इससे बीमारों का इलाज करने में मदद मिल रही है। अस्पतालों में बड़ी तादाद में बेड्स मुहैया कराए गए हैं और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बीमारों की देखभाल में जुटा रहता है। कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान इसका पूरा ख्याल रखा गया और बड़ी तादाद में लोगों को उससे निजात दिलाने में मदद मिली। अब ऑक्सीजन की सप्लाई को बेरोकटोक बनाकर उनकी मुश्किलात को भी आसान किया जा रहा है। लोगों की सेहत का ख्याल रखने को लेकर की गई ये कोशिशें हुकूमत की संजीदगी की मिसाल है। और अब बात करते हैं तरक्कियाती कामों को मुकम्मल करने की मंसूबाबंदी की।
आवाजाही में किसी तरह की रुकावट पैदा ना हो, सड़क पर गड्ढों की वजह से हादसे ना हो, इसी के मद्देनजर श्रीनगर की अहम सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। गड्ढों को भरने के बाद उनकी ब्लैक टेपिंग की जा रही है। दरअसल मौसम सरमा के दौरान हुई भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए थे और कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर नाफिज लॉकडाउन की वजह से उनकी मरम्मत का काम रुका हुआ था। मगर अब जबकि नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, तो सड़कों की मरम्मत के काम को तरजीही बुनियाद पर पूरा किया जा रहा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वबा की दूसरी लहर की शिद्दत में कमी दर्ज होने लगी है। हुकूमत की जानिब से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और नाफिज लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता ढील दी जा रही है। ऐसे में सड़कों को दुरुस्त करने की जरूरत आन पड़ी है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की ब्लैक टॉपिंग की जा रही है। रोड्स एंड ब्रिज डिपार्टमेंट की जानिब से जारी इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का हदफ रखा गया है, ताकि लॉकडाउन पूरी तरह से हटाए जाने के बाद आवाजाही आसान बनी रहे। And this will give us better results now. Because we are in a sunshine, we can just check the profile also. If you have seen, we have done the best possible profile. There is no ups and downs now. मौसम सरमा के दौरान हुई भारी बर्फबारी के मद्देनजर सड़कों पर कई जगह गड्ढे बन गए थे, जिसकी वजह से हादसात का खदशा बना रहता था। लिहाजा जिन सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा होता है उनको तरजीही बुनियाद पर दुरुस्त किया जा रहा है। कुछ इलाकों में ब्लैक टॉपिंग का काम तकरीबन पूरा हो गया है। जिन सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है उसमें गुपकार रोड, बुलेवार्ड रोड, सोनवर बाग और डल गेट के अलावा बटमालू शामिल है। इस वक्त सड़कों पर गाड़ियां कम नजर आ रही हैं, लिहाजा इस काम को जल्दी पूरा करने में मदद मिल रही है। सड़कों पे ट्रैफिक नहीं है, जहाँ उनको रात को काम करना पड़ता था वो दिन में भी काम कर सकते। पहले हमने देखा दिन में हमारा ट्रैफिक मैच बहुत ज़्यादा होता था तो हम मैग्नमाइजेशन कर नहीं पाते, तो रात को मजदूरों को लाना पड़ता था, नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता था। आज दिन में भी रोड खाली होता, आज हमने सुबह देखा गुपकार भी मैग्नमाइजेशन हो रहा था, सुनवार में हुआ है, ईदगाह से हुआ है, बटमालू से हुआ है। इट्स ए वेरी गुड स्टेप, वी अप्रिशिएट, वी एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ आरएनबी डिपार्टमेंट एंड आवर एडमिनिस्ट्रेशन। तरक्कियाती कामों को अमली जामा पहनाए जाने की दरकार है, इससे बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया करने में भी मदद मिल रही है। दिगर बात यह है कि कोरोना वबा के खतरात के पेश नज़र गुज़िश्ता महीनों से तमाम तरह की सरगर्मियां बंद पड़ी थी और इससे रोजाना की बुनियाद पर कमाकर खाने वाले अफराद की मुश्किलें बढ़ गई थी। लिहाजा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जान भी जहान भी के फलसफे पर अमल करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में तरक्कियाती कामों को मुकम्मल करने की कोशिशें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। इससे लोगों को सहूलत तो मिलेगी ही, साथ ही लोगों को रोजगार भी इससे मुहैया हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नज़र। गर्म झरनों और कुदरत के हसीन नजारों से मालामाल नासू शियोबारा में इटामुरो ओनसेन सियाहत के लिहाज से बेहद ही मकबूल है। यहाँ पर कई सारे रिवायती होटल्स हैं, लेकिन कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर यहाँ पर सयाहों की आमद बेहद कम है। लेकिन इस बीच दूर दराज से काम करने के ख्वाहिश लिए आए लोगों की यहाँ पर तादाद अच्छी खासी है। ये हैं रियाना ओशी, ये वेब डिजाइनर है। वो होटल में रहती हैं और वो अपने इस कमरे का इस्तेमाल अपने दफ्तर के तौर पर कर रही हैं। यहाँ का माहौल और यहाँ के खूबसूरत नजारों के बीच वो अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पा रही हैं। इस तरह से कामकाज करने के तरीके को वर्केशन कहा जाता है। ये वर्क और वेकेशन के कॉम्बिनेशन से बना है। वेकेशन के साथ काम करने का ये नया तजुर्बा कुदरती तौर पर शानदार है।
कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के तमाम इकदाम पर अमल करते हुए ट्रेवल एसोसिएशन सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। काबिले जिक्र है कि जापान में लोग लंबे वक्त तक काम करते हैं और कोरोना वबा के दौरान भी नौकरी पेशा लोग दबाव से आजाद होकर काम कर सके, इस लिहाज से वेकेशन और वर्क को एक साथ प्रमोट किया जा रहा है। यामहा मोटर सेल्स ने यामहा राइडिंग एकेडमी की शुरुआत की है। जापान में मोटर राइडिंग से मुतालिक यहां पर बेसिक ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है। इसके लिए बाकायदा नई तकनीक को इंट्रोड्यूस किया गया। जिससे लोगों के ड्राइविंग स्किल्स बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। साथ ही सेफ ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है। कोविड 19 के खतरे के पेश नजर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से परहेज कर रहे हैं और मोटरसाइकिल के इस्तेमाल की जानिब वो राग़िब हो रहे हैं। इसीलिए नए ग्राहकों की तादाद बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर यामहा ने यामहा राइडिंग फीडबैक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें राइडर्स में हाई लेवल ड्राइविंग करिकुलम को नए तरीके से पेश किया गया है। ये नए ग्राहकों के लिए भी है। इन मोटर बाइक्स का इस्तेमाल ट्रेनिंग देने में किया जाता है। इसमें ड्राइविंग पोजीशन, स्पीड और एक्सेलरेशन का पता लगाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर की गाइडेंस में ड्राइव करते हैं। पहले रन के बाद ड्राइविंग डेटा को देखा जाता है। इसके बाद राइडर को जरूरी हिदायत दी जाती है। दरअसल डेटा से ये पता चल जाता है कि स्पीड देने में कहां गलती हुई, कहां पर टर्न लेते वक्त किस तरह की परेशानी पैदा हुई। उन पहलुओं पर हिदायत मिलने के बाद ट्रेनी फिर से ड्राइव करते हैं। इस हल्के नीले रंग की आइसक्रीम को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसे जापान में नए तरीके से तैयार किया जाता है और इस सॉफ्ट आइसक्रीम को हक्काई कहा जाता है। काबिले जिक्र है कि जापान के सबसे ऊंचे पर्वत में शुमार माउंट फुजी के साथ इस सॉफ्ट आइसक्रीम का गहरा ताल्लुक है। माउंट फुजी के पास ओशिनो हक्काई नाम का एक बेहद ही मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर साफ पानी का एक खूबसूरत तालाब है और उसका दीदार करने के लिए हर बरस बड़ी तादाद में सयाह वहाँ पहुँचते हैं। इसी के मद्देनजर निस्सी कंपनी ने इस नाम से इस सॉफ्ट आइसक्रीम को तैयार किया है और इसे यहाँ के शॉप इकेमोटो पर बेचा जाता है। इसमें अलग अलग फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेस्ट यहाँ की मशहूर मिठाई रामून जैसा है। लिहाजा इसे यहाँ के मकामी बाशिंदे समेत बाहर से आने वाले लोग भी खूब पसंद करते हैं। जापान की कंपनी निस्सी यहाँ के लोगों और सयाहों की पसंद को ध्यान में रखकर नए तजुर्बे पर अमल कर रही है। जापान में इन दिनों इलेक्ट्रिक गेम खेलने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि कोरोना वबा के दौरान भी कंपनियों ने बिक्री की रिकॉर्ड शरह हासिल की है। कोविड 19 के पेश नजर अलग अलग कंपनियां वर्चुअल रियलिटी गेम प्रोग्राम के जरिए आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के तरीकों के तौर पर इसे फरोख देने में जुटी हुई है। एक दूसरे के साथ राब्ता बनाए रखने में भी ये मददगार है। ये लड़का रनिंग, जंपिंग और पुशअप्स की सख्त ट्रेनिंग ले रहा है। इसमें उसका कोच इलेक्ट्रॉनिक गेम है, जबकि उसके वालिदैन फैंस का किरदार अदा कर रहे हैं। सकुदर्गी के कुनबे ने कोरोना वबा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग डिवाइस खरीदा। इससे इस कुनबे के अरकान को अपनी सेहत का ख्याल रखने में मदद मिली। दीगर बात यह है कि घरों में लगातार रहने की वजह से उनकी सेहत मुतासिर हो रही थी।
कई ग्रुप्स गेम भी बनाए गए हैं जो कुंडे को एक साथ मिलकर खेलने का मौका फराहम करते हैं। इंटरनेट से जोड़कर खेले जाने वाले इस गेम में दूर रहने वाले दोस्तों और पार्टनर के साथ राब्ता करने की सहूलत भी हासिल है। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स को आम तौर पर तफरीह का बेहतर सामान माना जाता है, मगर कोरोना वबा के इस दौर में ये खेल कूद के साथ साथ लोगों पर इसके मनफी असरात को भी कम करने में मददगार साबित हो रहा है। और अब बात करते हैं देही इलाके की खवातीन को रोजगार से जोड़ने के लिए तश्कील दिए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप की। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए शुरू किया गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम कोरोना वबा के दौरान भी उन्हें रोजगार से जोड़ने में अहम साबित हो रहा है। पुलवामा जिले के देही इलाके में कायम किए गए इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की दर्जन भर से ज्यादा खवातीन सैनिटाइजर और क्लीनिंग रिएजेंट तैयार कर न सिर्फ मकामी सतह पर जरूरतों को पूरा कर रही हैं, बल्कि इससे वो अच्छी कमाई भी कर रही हैं। कोरोना वबा के बीच खवातीन को माली एतबार से मजबूत बनाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से मददगार साबित हो रहा है, इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के देही इलाके की ये खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप की रुकून है। कोरोना वबा के खतरे के पेश नज़र जब ज्यादातर सरगर्मियां बंद हो गई हैं, इस ग्रुप ने मौजूदा दौर की जरूरतों के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की अशिया तैयार करने का फैसला किया। इसमें कोविड 19 से बचाव के लिए जरूरी सैनिटाइजर समेत घरों को साफ सुथरा रखने के लिए क्लीनर बनाना शामिल है। इससे उनका रोजगार तो चल ही रहा है, साथ ही क्लीनिंग रेजेंट की जरूरतों को पूरा करने में भी वो अपना ताउन दे रही हैं। हमने जो क्लीनिंग रिएजेंट यूनिट स्टार्ट किया पामपुर में, इसमें 20 जो हमारी वहाँ पे महिलाएं काम कर रही है, ये 20 महिलाएं एक साथ जुड़ के इन्होंने ये रिएजेंट यूनिट स्टार्ट किया और इसमें ये क्लीनिंग रिएजेंट्स बना रही है, पैकिंग कर रही है उसकी और मार्केट में ले आ रही है, जिससे ये अपना ख्याल रख रही है और अपने जो आस पड़ोस है उसका ख्याल रख रही है। इसमें पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन, होम हाइजीन सारा इन्वॉल्व होता है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत मुल्क भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप को कायम किया गया है। देही इलाकों की ख्वातीन को खुद कफील बनाने और उन्हें माली एतबार से मजबूत बनाने में इसका अहम रोल है। इसमें उन्हें बचत करने की आदत डाली जाती है, फिर जमा हुई रकम की बुनियाद पर माली मदद पहुंचाई जाती है ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके। कर्ज ली गई रकम पर सूद की शरह कम होती है और आसान किश्तों में अदायगी की सहूलत दी जाती है। इस तरह से तैयार सेल्फ हेल्प ग्रुप मुख्तलिफ कारोबार से जुड़कर खुद को मुआशी सतह पर मजबूत बना रहे हैं। हमने बाहर से माल लाया और हमने यहाँ पैकिंग की। कोविड की वजह से ये बहुत सारे घरों में जरूरत पड़ती है। हमने टॉयलेट क्लीनर बहुत रखे हैं यहाँ, हैंड वॉश और सैनिटाइजर भी रखा, क्योंकि ये घर घर में बहुत जरूरत है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वजारत देही तरक्की का एक अहम मंसूबा है। इसका मकसद देही इलाकों में गरीबी को कम करना और रोजगार के नए नए मौके पैदा करना है। साल 2011 में इस मिशन का आगाज किया गया और इसके तहत मुल्क भर में लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप को कायम किया गया। मुल्क भर में 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए 4,75,00,000 से ज्यादा ख्वातीन को इस प्रोग्राम से जोड़ा जा चुका है। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना और गरीबी को कम करने में ये प्रोग्राम खासा अहम रहा है और ये ख्वातीन में खुद एतमादी भी पैदा कर रहा है। NRLM का मकसद ही यही है कि लेडीज को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, तो इसके तहत हमने एक यूनिट स्टार्ट किया है जिसका नाम हमने रखा है सैफ्रॉन क्लीनिंग रिएजेंट्स यूनिट। इसमें हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो हैं सैनिटाइजर हैं, हैंड वॉश हैं, फिनाइल हैं, टॉयलेट क्लीनर हैं, बाथरूम एसिड हैं, तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसमें हम 20-25 लेडीज जो हैं वो काम कर रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ख्वातीन को खुद कफील बनाने में अहम रोल अदा कर रहा है और इसी की अलामत है ये तस्वीर।
इसमें 20 ख्वातीन शामिल हैं। सैफरान क्लीनिंग री एजेंट्स के बैनर तले वो क्लीनिंग री एजेंट्स तैयार कर रही हैं। इसकी पैकेजिंग का काम भी वो खुद करती हैं और उसके बाद उसे बाजार में मुहैया कराती हैं। वो इस तरह की अशिया को तैयार करने की ट्रेनिंग हासिल कर चुकी हैं और इसमें उन्हें महारत हासिल है। दिगर बात यह है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के रुकून को खुद रोजगार से जोड़ने की हुकूमत की जानिब से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपनी सलाहियत में निखार ला सकें। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। महकमा सियाहत से वाबस्ता लोगों में 100% वैक्सीनेशन के हदफ को हासिल करने के लिए निगीन झील में बेदारी प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। इसमें होटल मालिक, टूर ऑपरेटर्स, शिकारे वाले और हाउस बोट मालिकों और उनका स्टाफ भी हुआ शरीक। महकमा सियाहत के डायरेक्टर ने कहा कि सियाहत को पटरी पर लाने के लिए वैक्सीनेशन है जरूरी, इससे सियाहों का बढ़ेगा भरोसा। वो इस बात का इत्मीनान कर सकेंगे कि सभी स्टेक होल्डर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को पूरी तरह से लगाया जा चुका है टीका। कोविड-19 के मद्देनजर तमाम तरीके से लोगों की मदद करने में जुटी है फौज। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को अदा करते हुए फौज की जानिब से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के दही इलाके के लोगों को मुहैया कराया गया जरूरी सामान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से बच्चों के होमवर्क के दबाव को कम करने से मुतालिक पॉलिसी बनाने की दी हिदायत। उन्होंने कहा कि बचपन की मासूमियत खुदा का तोहफा है और उनके दिन जिंदा दिली और खुशी से भरे होने चाहिए। और अब बात करते हैं गैजेट की। सैमसंग अपने नए गैलेक्सी टैब को जल्द ही मुल्की सतह के बाजार में पेश करने वाला है। सैमसंग का गैलेक्सी टैब S7 सीरीज की एक अगली पेशकश है और इसमें नए कई फीचर्स दिए गए हैं। प्रीमियम फीचर वाले सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE5G की खूबियों पर डालते हैं एक नजर। सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE5G एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G SoC प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। 4GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज वाले इस टैब की कैपेसिटी को माइक्रो SD कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बड़ी बैटरी के साथ पेश किया गया है। इसमें 10,090 mAh बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावे के मुताबिक एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके रियर में 8 MP का कैमरा दिया गया है, वहीं सेल्फी के लिए इसमें 5 MP का कैमरा मौजूद है। ये प्रोफेशनल्स के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी मुफीद है। और अब बात करते हैं कोरोना वबा की शिद्दत में आई कमी के बाद इंतजामिया की जानिब से दी गई रियायत की। कोरोना वबा की दूसरी लहर की शिद्दत और उसके मनफी असरात को देखते हुए हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से बहुत सारे एहतियाती इकदाम किए गए। लॉकडाउन का फैसला भी किया गया ताकि कोरोना वबा के फैलने के इम्कानात को कम किया जा सके। इसके तहत तिजारती और कारोबारी मराकज को बंद करने का फैसला भी किया गया। अब जबकि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए अपनाई गई तदाबीर के मुस्बत नतीजे सामने आ रहे हैं तो तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों के बहाल करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से जम्मू से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये नजारा है जम्मू शहर के एक बाजार का, जहां बाजार फिर से खुल गए हैं। तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां फिर से बहाल होने लगी हैं और लोगों की चहल पहल भी नजर आ रही है। हालांकि पहले के मुकाबले लोगों की मौजूदगी कम जरूर है, ताहम एक शुरुआत तो हो ही चुकी है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक बार फिर से शुरू कर पाए। काबिले जिक्र है कि हुकूमत और इंतजामिया ने कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर यह फैसला किया था कि बाजार बंद किए जाए और कारोबारी व तिजारती सरगर्मियों को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और कोरोना वबा के फैलाव पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल बंद था, क्लोज थी मार्केट
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नुकसान काफी हुआ है, उस हिसाब से देखें तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात है कि लॉकडाउन ओपन हुआ है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों को, एक आम जनता है उसको ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास एक मौका हमें सरकार ने दिया है ओपन करने का, तो हमें रश नहीं डालना है, भी प्रिकॉशंस हमें अच्छे से लेने चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, हर चीज का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। कोरोना वबा का खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन ये खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। जाहिर है ऐसे में हुकूमत हो या मकामी इंतजामिया किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं। लिहाजा रोजमर्रा की जिंदगी मामूल पर आए, कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां भी फिर से बहाल हों और बाजार भी खुले, इसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है और एक तरीकाकार वजा किया गया है। इसके तहत कारोबारी और ताजिर मुतबादिल दिन में दुकानें या तिजारती और कारोबारी मराकज खोल सकते हैं। जाहिर है इसका वाहिद मकसद यही है कि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और कोरोना वबा के खतरात को कम किया जा सके। जो भी भाई बहन हमारे अल्टरनेट डेट्स पे आज आ रहे हैं, तो एक तो प्लस पॉइंट है उनके लिए क्योंकि इनकम जो है थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा। तो कईयों को जॉब से डर भी था, तो आज यही है कि अल्टरनेटिव्स ओपन हुए हैं तो उनकी थोड़ी सैलरी से आ जाए तो उनका थोड़ा घर का जो इनकम सोर्स है वो चल पड़े। अब जबकि मामूलाते जिंदगी को पटरी पर लाने की समत में इकदाम किए जा रहे हैं और कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर गुज़श्ता दिनों में जो पाबंदियां आयत की गईं उनको हटाया जा रहा है, तो आम लोगों की जिम्मेदारी इस लिहाज से मजीद बढ़ जाती है कि बुनियादी एहतियाती तदाबीर पर हर कीमत पर अमल करें। इसके तहत मास्क का इस्तेमाल हर हालत में करें, सामाजिक फासला बनाए रखें, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इन तदाबीर पर अमल करके आप खुद भी महफूज रह सकते हैं और दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। इस मंथ में जो लॉकडाउन खुला है वीकली, मैं बस यही चाहती हूँ कि लोग बाहर निकले विद प्रिकॉशन के साथ। इवन आप घर से बाहर निकलते हैं, वेयर मास्क, यूज सैनिटाइजर, इवन हैंड वॉश करें हर टाइम पे। और मार्केटिंग एरिया पे जहाँ तक देखा जाता है, अभी आप देख रहे हैं कि कितनी जगहों पे जैसे खुला है लॉकडाउन तो लोग बाहर निकल रहे हैं, हर जगह देखोगे इतना क्राउड, तो जितना हो सके क्राउड कम करें, ठीक है ना। अपनी प्रिकॉशन आपके ही हाथ। ताजिर हो या कारोबारी या फिर नौकरी पेशा, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का दबाव तो सभी पर है। ये बात हुकूमत भी समझती है और इंतजामिया को भी इसका इल्म बखूबी है। लिहाजा मामूलाती जिंदगी को बहाल करने की जो शुरुआत हुई है उसकी कामयाबी बहुत हद तक हमारे आमाल पर मुनहसर है। इसीलिए एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाना है। थोड़ी सी भी गफलत खतरनाक हो सकती है, इसको याद रखें, तभी हम कोरोना वबा का खात्मा कर सकते हैं। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।